एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनपद पंचायत सभा कक्ष में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की रूपरेखा हेतु सामान्य सभा की बैठक हुई संपन्न। शुक्रवार 31 मार्च को जनपद पंचायत लांजी में सामान्य सभा की बैठक दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें जनपद सीईओ रंजीत तारा, जनपद अध्यक्ष अर्चना खुंगल, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र खुंगल आदि प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्या को दिए जाने वाले सामान की जगह अब चेक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसको लेकर ऐलान किया है। इस योजना के तहत कन्याओं को 56,000 रूपए दिए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब व जरूरतमंद परिवारों की बेटी के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब जरूरतमंद विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 51,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी आयु 21 वर्ष व उससे अधिक होनी चाहिए। विदित हो कि इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधा बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए कन्या का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में जनपद सदस्य महेंद्र पटेल, दिनेश लांडे के साथ ही मोस्ट एनजीओ लांजी, शारदा महिला मंडल लांजी, सद्भावना मित्र मंडल लांजी, हम फाउंडेशन लांजी के पदाधिकारियों के साथ ही मीडिया कर्मी भी प्रमुख तौर से मौजूद रहे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह, कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद पंचायत लांजी द्वारा किया जाना है। पहले हम लोग इसमें, मैं पूरी तरह सहभागी रहता था। पश्चिम नेवाड़ा में हम लोग समाज सेवी संगठन के रूप में इसमें उपस्थित होते थे और एक आनंदपूर्वक माहौल में ये शादी का जो है आयोजन होता था। यानी कुछ पक्ष ऐसे होते थे जहाँ पर इसके पहले की जो सामान होता था, सामान खरीदी के लिए भी समिति बनाई जा रही थी, जो कि हम लोग दुकान दुकान जाकर के एक एक सामान बहुत अच्छे रेट में, मतलब जो हम लोग सामान खरीदी करते थे कि उनको अच्छे सामान और उपयोगी सामान जो है वह उनको दिया जा सके। उसके पश्चात सभी जो तैयारी होती थी, तैयारी का जायजा अलग अलग संगठन समूह बना करके जो है विभागों को ये बांटे जाते थे, जैसे क्रम होते थे कि किसी को पानी की व्यवस्था, किसी को मंडप की व्यवस्था, किसी प्रभाग को बारात निकालने की व्यवस्था, किसी को वरवधु को सजाने की व्यवस्था। लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हुए हैं इसका मतलब यह है कि उसी क्रम में इस वर्ष भी होना है, तो सभी के सहयोग से ये होना है और सभी सहयोग करेंगे तो वही क्रम होगा। और सम्मानित सदनाचार्य जी ये बताएंगे कि आप इसमें कैसी कैसी जो है बाकी व्यवस्था, क्योंकि नए वाले ने अब राशि शायद सामग्री तो बंद कर दी है, मिलेगा सिर्फ चेक। मतलब जैसे चेरनापुर में क्या व्यवस्था हुई कि घोषणा उसी दिन हुई। बने रहिए हमारे साथ एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।